श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पंडित जी के मुखारविंद से ये उपाय सुने। चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक पशुपति व्रत होता है और वो व्रत ऐसा है कि उस व्रत को 5 सोमवार करना चाहिए, कोई से भी 5 सोमवार, जिसमें तुम्हारी मर्जी पड़े। ऐसा कौन सा काम है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? जब पशुपति अस्त्र मात्र भगवान राम के तरकश में रखे होने पर लंकाधिपति रावण के प्राण निकल सकते हैं, तो जीवन का वो कौन सा सुख है जो पशुपति व्रत से प्राप्त नहीं हो सकता? बस उसका नियम है, 5 सोमवार करो। पहले सोमवार को करो, चाहे दूसरे सोमवार को करो, जिस सोमवार को पशुपति व्रत करो, सुबह शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, वो थाली को लेकर वापस घर में रख दो, सुबह फलार करो, शाम को वापस उसी थाली को लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लगाकर लेकर जाओ। दिए को जलाना नहीं है, केवल घी के दिए लेकर जाना है, थोड़ा सा मीठा। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जो पशुपति व्रत बताया है उसका विधान, थोड़ा सा मीठा लेकर जाओ। शिव जी की फिर पूजन करो, पूजन करने के बाद में शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करो, पूजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ की आराधना कर 5 दिए शंकर जी के सम्मुख में लगा दो। जो मीठा लेकर गए हो उसके 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा और 1 दिया थाली में रखकर पूजन करने के बाद वापिस लेकर आ जाओ। घर के दरवाजे की देहली पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए हो उस दिए को जला दो, और अंदर जाकर जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा उसको पाकर फिर भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। ऐसे पशुपति नाथ के 5 व्रत रहते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो भोलेनाथ पूरा ना करता? कौन सा कार्य? श्री राम जी महाराज अगर सेतु पर चढ़ाई करने जा रहे हैं लंका पर, तो भगवान शिव की आराधना कर जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की आराधना। मेरे वेंकटेश भगवान तिरुमाला के शिखर पर अगर तिरुपति बालाजी विराजमान हैं, तो पहले उन्होंने भगवान शिव जी से पूछा कि हम यहां बैठकर तप करना चाहते हैं, आ जाएं? भगवान शंकर ने कहा आओ और तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करो, साधना करो, आपकी मर्जी पड़े वैसे निवास करो। मेरे हरि, मेरे तिरुपति नाथ, मेरे बालाजी, मेरे वेंकटेश भगवान कहते हैं, मेरे नारायण कहते हैं, भोलेनाथ हम यहां तप करेंगे और दुनिया के लोग आएंगे तो क्या होगा? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर आप तिरुपति गए होगे तो आपको मालूम होगा ऊपर तिरुमाला में मेरे नारायण हैं, तो नीचे कपिलेश्वर महादेव में मेरे शंकर बैठकर रक्षा करना। नाथ द्वारा चले जाओ, जब श्री जी बाबा के ऊपर आक्रमण किया गया, भोलेनाथ जी के ऊपर जब श्रीनाथ जी के ऊपर जब आक्रमण किया गया, गोवर्धन नाथ जी की मूर्ति को खंडित करने का जब भाव आया, तब ब्रजवासियों ने शंकर भगवान को घास के पूले में दबाकर बैलगाड़ी में लेकर रात की रात भाग गए। और श्रीनाथ जी को लेकर जब भागे, सब दूर घूम लिए, श्री जी बाबा को कहां रखें, श्रीनाथ जी को कहां रखें, तब सब दूर घूमने के बाद मेवाड़ की भूमि पर जब पहुंचे, तो शंकर भगवान से श्री जी बाबा ने कहा भोलेनाथ, तब आप बता दो हम कहां रहे, बार बार घूम रहे हैं, कहां जाएं, किस जगह? हम कहां जाएं, हम किस जगह पर जाएं, आप बताओ। भगवान शिव कहते हैं ठाकुर,
हे शनि जी बाबा, आप एक काम करो, आप मेवाड़ की इसी भूमि पर रहिए, आप यहां रहोगे और हम एक लिंग जी के रूप में आपकी रक्षा करेंगे। कभी आप नाथ द्वारा जाकर देखना, श्रीनाथ जी में श्री जी बाबा विराजमान है और उनके पास में एक लिंग जी के रूप में भगवान शंकर विराजमान है। कोई ऐसी धरा, कोई ऐसी भूमि, कोई ऐसी जगह जहां शिव ना हो, हर जगह सर्वस्व विराजमान। बोले सर्वस्व।